किसानों, मजदूरों एवं वाहन मालिकों के उत्थान के लिए चीनी मिल व खाद का कारखाना सरकारी लगवाने हेतु, नौजवान बेरोजगार के लिए सेवा का भर्ती सेंटर तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ताकि रोजगार मिल सके, सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार खत्म करवाने तथा सबको न्याय दिलाने हेतु लोकसभा क्षेत्र मेनपुरी के सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। समय हमारे सामने सर्व समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील कुमार जी मिश्रा मौजूद। सुनील कुमार मिश्रा जी से जानना चाहेंगे, इस मैनपुरी लोकसभा चुनाव आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? तो सुनील कुमार जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, मैं सुनील कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव सर्व समाज जनता पार्टी और 21 लोकसभा मैनपुरी क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। पार्टी की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, कई किसान संगठनों में रहा और स्वयं जो हमारी पार्टी है सर्व समाज जनता पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और माननीय श्री घनश्याम जी जायसवाल हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारी पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको जनपद मैनपुरी की 21 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना है, तो उन्हीं के आदेश के पालन में और हमारी जनता ने हमसे कहा, जनता के आशीर्वाद को लेते हुए मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। आपको ये पता है कि आपका मुकाबला एक राजघराने की बहू से है और वो वर्तमान में सांसद भी है और वो 6 बार की लगातार विजेता है, आप उसे पार कैसे पाएंगे? जी, ये जो समय था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, वो एक अलग दौर था। अब वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, नेता थे, परंतु न तो अखिलेश यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और न ही डिम्पल यादव। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता नहीं आएगा, जनता को समस्याओं से रूबरू नहीं होगा। आज जनता परेशान है, त्रस्त है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हों या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हों, ये इनकी किसी भी जनता की समस्या से लेना देना नहीं। ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, हवा हवाई हाथ हिला के चले जाते हैं, कहीं किसी चौराहे पर किसी दुकानदार से किसी गाँव में जाके कहीं कोई कभी इन्होंने कभी जनता की समस्याएं नहीं सुनी। मिश्रा जी, आप बहुत शॉर्ट में, आपका विजन क्या है, जीतने के बाद आप क्या करेंगे? जी, मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लिए 6 महत्वपूर्ण मुद्दे लेके आया हूँ। किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए लोकसभा क्षेत्र में चीनी मिल और खाद की फैक्ट्री, साथ ही साथ नौजवान बेरोजगारों के लिए आर्मी का भर्ती सेंटर और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, एवं हमारे जो विद्यार्थी इस लोकसभा क्षेत्र से MBBS, BAMS और लॉ की डिग्री पाने के लिए बाहरी प्रदेशों में या अन्य जनपदों में जाते हैं जहां बहुत खर्चा आता है, इसलिए लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में MBBS के लिए मेडिकल का कॉलेज और लॉ का कॉलेज सरकारी खुलवाना, साथ ही साथ जो हमारे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को खत्म कराना, जनता को अच्छे से न्याय दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। एवं जो आवारा गौवंश की समस्या बनी हुई है, जगह जगह किसान रात भर जाग रहा है अपनी फसलों को रखाने के लिए, फिर भी उसकी फसलें आवारा गौवंश चुंग लेते हैं, ऐसे में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बाड़े का निर्माण करवाना ये हमारी प्राथमिकता में होगा। भाजपा बार बार नहीं, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो संविधान को खत्म कर देगी, आप क्या सोचते हैं? जी, संविधान तो नहीं खत्म हो पाएगा, वो अंग्रेजों से ज्यादा बलगन नहीं है, हमारे देश की जनता भी मजबूत है। यदि ऐसी कोई स्थिति आएगी तो 2 दिन में दिल्ली की सत्ता से उन्हें हटा दिया जाएगा। अभी उन्होंने हिट एंड रन कानून लाए थे जी। जो न किसी ड्राइवर से पूछा था, न किसी ट्रांसपोर्टर से पूछा था, स्वतः संसद में बैठ के विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था और हिट एंड रन कानून देश में लागू कर दिया, पर हम ड्राइवरों ने देश भर में चक्का जाम कर दिया और 3 दिन में सरकार को घुटने टेकने पड़े और अपना स्टेटमेंट अपने सरकारी प्रवक्ता के माध्यम से दिया कि ये कानून लागू नहीं होगा। तो देश की जनता अपने आप में सक्षम है, यदि ऐसी कहीं स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन में पूरे देश में चक्का जाम करके उसे हटाने का कार्य करेगी। आपकी पार्टी क्या करेगी? ये हमारी पार्टी आम जनता के साथ है, जनता की समस्याओं के साथ है। ठीक है।